स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जैसे को पता है कि जो 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो 10वीं कक्षा के आधार पर ही दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन यही है कि मतलब कि दोस्तों कि हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, जो 10वीं किसी और बोर्ड से किया है उनको पास कैसे किया जाएगा, उनकी मैपिंग कैसे होगी। उसके बाद में दोस्तों उन छात्रों को बेहद डाउट है कि सर मैंने कॉमर्स से किया है, मैंने आर्ट्स से किया है, तो मेरे परसेंटेज कैसे निकालूं। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद में सारे के सारे जो आपके डाउट है सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज निकाल के दिखाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैपिंग क्या है, किस विषय को किस विषय के साथ में जोड़ा गया है। सारे की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी परसेंटेज बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट के लिए फॉर्मूले का फॉर्मेट जारी किया है। 10वीं का बेस्ट ऑफ 5 होगा आधार, जिम्मा स्कूल के प्राचार्य को सौंपा। तो इसमें बताया गया 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए फॉर्मेट था 10वीं के नंबर से सब्जेक्ट के मुताबिक बनेगा 12वीं का रिजल्ट। मुख्य विषय में ही सबसे कम नंबर है तो भी नहीं बिगड़ेगा रिजल्ट, मिल जाएगा तीसरी भाषा के नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले का फॉर्मेट जारी कर दिया। इसके अनुसार 12वीं के स्टूडेंट्स को 10वीं में मिलने नंबरों के आधार पर विषयवार नंबर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया को मैपिंग नाम दिया गया है। तो मैपिंग की परिभाषा दोस्तों मैंने आपको बता दी। 10वीं के 6 विषयों में से सबसे ज़्यादा नंबर वाले 5 विषय के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी को 12वीं कक्षा में नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। इससे उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जिन्हें 10वीं के मुख्य 3 विषयों विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में सबसे कम नंबर होंगे। तो दोस्तों जैसे आपके मान के चलो विज्ञान गणित या सामाजिक विज्ञान से किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर है तो आपका जो रिजल्ट है वो उस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी बचे 5 सब्जेक्ट से कर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट सुधारने के लिए सबसे कम नंबर वाले 10वीं के मुख्य विषय के नंबर के एवज में उनकी तीसरी भाषा के नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों मान के चलो कि अगर आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंक्लूड हो गए लेकिन जो छठा सब्जेक्ट है उसके भी मार्क्स आपका रिलेट करना है 12वीं कक्षा में, क्योंकि गणित है और गणित के ही मार्क्स उसमें जोड़े जाएंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए दोस्तों तृतीय भाषा का नंबर आपका जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है मैपिंग आपकी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम भाषा हिंदी इंग्लिश, तो ये भैया प्रथम भाषा में काउंट होगा, द्वितीय भाषा में काउंट होगा, तृतीय भाषा जिसको अन्य भाषा मतलब कि प्रथम भाषा का मतलब कि दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी हो गया, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा होगी अन्य मतलब कि कोई जैसे मराठी गुजराती अड़गम सड़गम जो भी है। विज्ञान का देखो किससे ताल्लुकात है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब विज्ञान में जो आपके जो मार्क्स मिले हैं सेम मार्क्स आपको अगर आपके पास में फिजिक्स है, आपके पास में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आईपी है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर कोई ग्रुप है आपका, होम साइंस का ग्रुप है, तो उसमें आपको विज्ञान के हिसाब से मार्क्स देख के दे दिए जाएंगे। पाँचवा दोस्तों इन्होंने 10वीं का विषय लिया है गणित, उसमें दोस्तों फ़ायदा मिलने वाला है जो बारहवीं के जो विद्यार्थी उनके पास में अगर गणित है या बुक कीपिंग है या अकाउंटेंसी है, इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स वही दिए जाएंगे जो आपके गणित में है। सामाजिक विज्ञान को आप देख सकते हैं जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है मतलब कि आर्ट्स वाला ग्रुप है, आर्ट्स वाले ग्रुप के लिए विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को चुना गया है। जितने सामाजिक विज्ञान के मार्क्स है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आर्ट्स के ग्रुप में मिलेगा, इकोनॉमिक्स में मिलेगा, इंडियन म्यूजिक में मिलेगा, ड्राइंग डिजाइनिंग, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, कॉमर्स ग्रुप के सब्जेक्ट के लिए बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट ग्रुप। अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होगा। मान के चलो दोस्तों 12वीं के मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को 10वीं के गणित में मिले नंबर ही दिए जाएंगे। मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि मैपिंग आपकी इस प्रकार से हुई है कि जिसके आप पास में 10वीं का जो गणित है, 10वीं का जो मतलब कि दोस्तों गणित का पेपर हुआ है, 12वीं में भी आपके पास में विज्ञान वर्ग का जो मतलब कि विज्ञान वर्ग वालों के लिए गणित के ही मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। मान लीजिए विद्यार्थी के 10वीं में गणित में 75 नंबर मिले हैं तो उसे 12वीं में मैथ्स में 75 नंबर ही मिलेंगे, और कॉमर्स स्ट्रीम के 12वीं के स्टूडेंट्स को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी विषय में 10वीं में मिले गणित मतलब कि जो 75 नंबर है वो दिए जाएंगे।
अब बात करते हैं साइंस के प्रैक्टिकल वाले विषयों में, थ्योरी में 70 और प्रैक्टिकल में 30 के अनुपात में नंबर मिलेंगे साइंस वाले के लिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 10वें विज्ञान विषय में 100 में से 70 नंबर मिले हैं, तो 12वीं में उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थ्योरी में 70 के हिसाब से 49 और प्रैक्टिकल के 30% के हिसाब से 21 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों मैं बताता हूँ फंडा क्या है, मतलब कि जिसका प्रैक्टिकल नहीं है उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। मान के चलो आपके 100 में से 70 नंबर विज्ञान में आ गए, तो भैया 70% निकाल लो, तो 70 × 70 / 100 ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49 मार्क्स आ जाएंगे। ये तो आपके हो गए थ्योरी के, अब बचे प्रैक्टिकल 30 के, तो ये क्या 30%। मान के चलो आपके थ्योरी में आपके है, मान के चलो भैया 30% मान के चलो, 30% कितना होगा 7 × 21 70% का, तो 7 × 21 मतलब कि, तो इसमें क्या हो गया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि थ्योरी के तो 49 मार्क्स हो गए, लेकिन अगर आपके 30 में से मार्क्स लेने हैं प्रैक्टिकल में और आपके थ्योरी में 70 मार्क्स है, तो कितना हो गया 7 × 21 तो 21 नंबर आपके जोड़े जाएंगे दोस्तों प्रैक्टिकल के। इस प्रकार से जुड़ के 49 + 21 हो जाएंगे, वो आपके मार्क्स हो गए। उसके तीसरी भाषा का सहारा किस प्रकार से मिलेगा आपको, 10वीं में स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं लेनी पड़ती हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी, दूसरा हिंदी और तीसरी विषय संस्कृत रखते हैं। हिंदी वाले पहली भाषा हिंदी, दूसरी संस्कृत और तीसरी अंग्रेजी मराठी प्रणाली रखते हैं। मान लें 10वीं में किसी विद्यार्थी को 6 विषय में से विज्ञान में सबसे कम नंबर मिले हैं, तो इन्हें 10वीं कक्षा में तीसरी भाषा में मिले नंबर 12वीं में विज्ञान के नंबर में रूप में दिए जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसको समझा देता हूँ, मान के चलो आपका पहली भाषा हो गया, दूसरी भाषा हो गया, लेकिन आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट है उसमें विज्ञान में ही कम है, तो ऐसे में दोस्तों जो तीसरा सब्जेक्ट है, मतलब तीसरी तृतीय भाषा है, मतलब कि मान के चलो संस्कृत है, तो संस्कृत के हिसाब से आपको विज्ञान के नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि मान के चलो संस्कृत में आपके 70 नंबर है, फिर वही मैथ वाला फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो जाएगा आपके लिए, मतलब कि तृतीय भाषा को आपको मेन सब्जेक्ट लिया जाएगा और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट तैयार करने का जिम्मा स्कूल प्राचार्य को सौंपा गया है, प्राइवेट विद्यार्थियों को MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए, अभी उनको क्या है कि दोस्तों जो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपनी मार्कशीट उनको अपलोड करनी पड़ेगी। CBSE के 10वीं के जिन विद्यार्थियों ने 11वीं और 12वीं में MP बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लिया है, उनकी 10वीं की मार्कशीट स्कूल द्वारा विद्यार्थियों से बुलाकर स्कैन करके MP ऑनलाइन पर अपलोड कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया में 1 महीने से ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट आएगा इस हिसाब से दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक तक ही आ सकता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों सारे के सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।